आपने देखा होगा कि मुंबई का पूरा माहौल इंडियामय हो गया है, पूरे देश में। इंडिया की सिर्फ 3 बैठकें हो रही है, लेकिन ममता दीदी ने आज कहा है, जो ममता दीदी का भी आगमन हो रहा है, कि रसोई गैस 200 रुपया सस्ता हो गया, ये इंडिया की सिर्फ 2 बैठकों का कमाल है। लालू यादव जी कल निकले पटना से मुंबई के लिए, तब लालू जी को पूछा गया पत्रकारों से, लालू जी मुंबई में क्यों जा रहे हो? तो लालू जी ने कहा, मोदी जी के नरड़ी पर बैठने जा रहा हूं। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। और एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आदित्य जी आप बोल रहे थे, आज फिर एक बार चाइना अंदर घुस गई है, आक्रमण किया है अपने जमीन पर, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चाइना पीछे हटेगी। ये इंडिया की ताकत बनते जा रही है। आज उद्धव जी, शरद पवार साहब आपसे बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम कल और परसों 31 अगस्त एंड 1 सितंबर के इंडिया मीट की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सभी प्रमुख नेता, सभी प्रमुख दल जो पटना में थे, जो बेंगलोर में थे, वो मुंबई में आ रहे हैं। लालू यादव जी का आगमन हो गया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का आगमन हो गया है, ममता बनर्जी का आगमन हो गया है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सब प्रमुख नेता कल आ जाएंगे, अखिलेश जी आएंगे, नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, ये सभी मुख्यमंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, यहां स्टालिन साहब, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी नेता गणाएंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं हैं, उस बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक विनती करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबा मत खींचे, जो काम की बात है वो करिए। और अब मैं नाना पटोले जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है, उसकी तैयारियां पास पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा। और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है, बेंगलोर में हमारे, हम लोग 26 लोग थे, यहां आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में, अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। और इसीलिए आज हम एमवीए के तरफ से आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के नेता, राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, हमारे अशोक चौहान जी आपसे वार्तालाप करेंगे।
इंट्रोड्यूस हमारे मित्र संजय राव जी ने आप लोगों को कराया है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अशोक जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय नाना पटोले जी, मंच पे बैठे हुए हमारे एमवीए के महाविकास आघाड़ी के सभी हमारे नेतागण, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सब पत्रकार भाई बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी जैसे हम हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया के रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण ऐसे मैं मानता हूं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहां पर बहुत जोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल तकरीबन पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं और सभी पार्टीज के हमारे साथी बड़े जोर शोर से इस मीटिंग की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले दो मीटिंग्स हमारी संपन्न हुई और ये तीसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है मुंबई में, तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि आज मुंबई की इस मीटिंग में सभी यहां पर मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जन्मभूमि है, संत महात्माओं की ये जन्मभूमि है और शाहू फुले अम्बेडकर की विचारों की ये महाराष्ट्र है, इसीलिए मुंबई में इसकी मीटिंग होना एक अलग महत्व रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी राज्य के एक महान प्रतीक उनकी इमेज रही है। संत महात्माओं ने दिया हुआ मानवता और भाईचारे का संदेश हमेशा महाराष्ट्र हमने अपनाया है, उससे आगे हम बढ़े हैं और इसीलिए शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर इंडिया आगे बढ़ने का हमारा सबका उद्दिष्ट है, प्रयास है। और मुंबई खास करके जब महाराष्ट्र की बात हम करते हैं तो हमारी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, स्वतंत्रता आंदोलन हो, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन हो, औद्योगिक कृषि क्रांतियां हो, तो महाराष्ट्र हर रेवोल्यूशन में महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है और महाराष्ट्र ने देश को लीड किया है और राजनीतिक क्रांतियां भी जितनी हुई है वो मुंबई और महाराष्ट्र उसका एक केंद्र रह चुका है। दोस्तों, आज सबसे अहम मसले हमारे सामने हैं जो हम देखते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे हम लोग आवाज हमेशा उठाते आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल, आज आपने देखा कि अगर पिछला इतिहास हम देखेंगे तो 2019 की जो चुनाव हुए थे उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है सबने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सके। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जो बाकी मैं जो जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारे सरकारी हमारी इस गठबंधन में शामिल है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्य को भी तोड़ने का काम भाजपा ने किया है, पर आपने देखा कि कर्नाटक में तोड़ने के बावजूद दोबारा वहां पर ज्यादा अक्सर से हमारी सरकार वहां पर कर्नाटक में लोगों ने चुन के दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया के इस माहौल से आज जो भी हम कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हमारे सरकार तोड़ने के बावजूद भी महाराष्ट्र में दोबारा हमारी सरकार हमारी एमवीए की और अन्य साथियों को मिलकर हम स्थापित करेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद
दोस्तों हमको है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सभी पार्टी इसमें शामिल है, आदरणीय पवार साहब और ठाकरे साहब को भी आपको संबोधित करना है। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में है और बड़े ताकत के साथ में आने वाले चुनाव एक पॉजिटिव डे हमारी, सिर्फ किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है, डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूंगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली, इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। इसमें शामिल जो होने वाले हैं तो 28 है 28, और उनके प्रतिनिधि कल के मीटिंग के जो मौजूद रहेंगे इनका नंबर 63 है, तो 63 प्रतिनिधि 28 होल चिल्ड्रन पार्टी, इनका ये सम्मेलन कल से परसों से शुरू होगा। और जिस तरह से कई राज्यों से लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो जाएगा कि जो देश में परिवर्तन करना है ये परिवर्तन के लिए मजबूत होगा। और यही काम हम लोग करेंगे, इतना ही मैं कहता हूँ। और श्री उद्धव ठाकरे इनके पास ही माइक देता हूँ। आदरणीय पवार साहेब, व्यासपीठावर माझ्यासोबत बसलेले सर्वच माझे मान्यवर सहकारी आणि पत्रकार आणि तिन्ही पक्षाच्या पदाधिकारी बांधवांनो आणि भगिनींनो, मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये बोलणार आहे। जसं अशोकरावांनी रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिलेल्याच आहेत, त्याचप्रमाणे मी सुद्धा सर्वांना, देशातील सर्व माझ्या मातांना आणि भगिनींना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देतो। आणि रक्षाबंधन केवळ एका दिवसासाठी असायला नको, राज्यकर्ता म्हटल्यानंतर आपल्या कारभारातला प्रत्येक दिवस हा महिला सुरक्षित राहण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे, महिलांना आपल्या देशात सुरक्षित वाटलं पाहिजे, असा राज्यकारभार करायला पाहिजे असं शासन असलं पाहिजे। दुर्दैवाने तसं शासन आज तरी आपल्या देशात आणि राज्यामध्ये दिसत नाहीये। मधल्या काळामध्ये मी त्याच्यावरती भाष्यही केलं होतं, एक 2-3 दिवसापूर्वी माझी हिंगोलीत सभा झाली, त्याही सभेत बोललो होतो। कारण मी बातमी वाचली होती की खास करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं गेलं होतं की मुस्लिम महिलांकडनं राखी बांधा आणि तोच धागा म्हणजे रक्षाबंधनाचा धागा वेगळा आणि या बातमीचा धागा वेगळा। मी असं म्हटलं होतं की सुरुवात करायची असेल तर बिल्किश बानूकडनं करा आणि मणिपूरमध्ये या दोन महिलांची धिंड ज्या पद्धतीने काढली गेली, ज्याप्रमाणे आपल्या महिला कुस्तीपटू तिकडे दिल्लीत बसल्या असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, तर या सगळ्या महिलांना सुरक्षित वाटावं असं सरकार आणण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत। और आप सभी तो जानते हैं कि पूरे देश को अपना परिवार मानने वाले सारे लोग जो देशप्रेमी है, मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष ये शब्द मानता नहीं हूं। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गैस पर है, सरकारच गैस वरती है आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही। 9 साल हो गए आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी,
आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊबीज का 9 वर्ष झाली नव्हती? पण या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे कल और परसों, मुझे अभी अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे, महायुति की बैठक करो। लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना, जो काष्ठकार आज संकट में है। मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज पढ़ता हूं, देखता हूं, पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है। क्या कर रही है अपने राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है, और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे जिंदगी भर याद रखता है। और इसलिए ज्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूं, बाकी सारी बातें तो हम पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं, परसों वापस हम मिलने वाले हैं। लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही। अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ मला टपल्या मुंबई तक सुरुवात झाली होती, गवालिया टैंक, तो चले जाओ, चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश। ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना, अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। और विचारधारा अलग अलग होगी लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं, आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, एकत्र राहू, आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत। धन्यवाद। शांत रहा, प्लीज सायलेन्स। एकच मिनिट, तुम्ही फक्त कोणाला प्रश्न विचारणार तेच सांगून करा। हॅलो सर, उद्धव जी दो सवाल है मेरे, एक गठबंधन से जुड़े किन मुद्दों पर आपकी चर्चा होगी गठबंधन से जुड़े, दूसरा सारी बातें अभी कहूं तो फिर कल की मीटिंग की आवश्यकता क्या है, संयोजक कौन होंगे उसको लेकर क्लैरिटी, क्या उस पर फैसला हो जाएगा इस बैठक में, संयोजक कौन होंगे इंडिया? सारी बातें आपको जैसे मैंने कहा कि विस्तार से परसों आपके सामने की जाएगी, क्योंकि ये सारे जो मामले हैं वो देश के लिए है, हमारे कोई खासगी गोष्टी का आम्ही त्याच्यात करायला आलेलो नाही आहोत, देशाच्या गोष्टी आहेत, आणि हा देश आमचा परिवार आहे, देश आमचं कुटुंब आहे, आणि म्हणून आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। गठबंधन के कई साथी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, एक अरे अरे त्यांना विचारू ना, अरे एक मिनिट त्यांना विचारू दे ना, रुको रुको। क्या आप दोनों बनारस में या जहां से वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे संयुक्त सभा करेंगे? अरे चुनाव तो अभी दूर है ना, जबकि बात तब देखी जाएगी। उद्धव जी एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हम अलग अलग हा महत्वाचा प्रश्न है, नीती आयोगाने मुंबई मध्ये विकास करण्यासाठी त्यांनी एक आराखडा तयार केला आहे, महाराष्ट्र मध्ये खास करून आता केंद्राचं इकडे या ठिकाणी दखल आहे, म्हणजे मुंबईला वेगळं करण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे, डाव आहे असं वाटतं का तुम्हाला? हा तुमच्या प्रश्नाचा अर्थ हा सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये त्यांना तो समजलेला आहे, आणि आता लोकांच्या लक्षात आलं असेल की महाविकास आघाडीचं सरकार का पडलं, कारण मी मुख्यमंत्री होतो, माझे सहकारी इकडे बसलेले आहेत, अशोकराव आहेत, आदित्य आहेत, जयंतराव आहेत, थोरात साहेब आहेत, जयंतराव तुम्ही मंत्रिमंडळात नव्हतात, नाना तर अध्यक्ष होते, पण त्यावेळेला सुद्धा केंद्रात त्यांचं सरकार असताना असा कोणताही
प्रस्ताव आणण्याचं धाडस त्यांनी केलं नव्हतं. मुंबई वेगळं करणं आणि मुंबई किंवा मुंबई केंद्रशासित करणं हा डाव आता उघड झालेला आहे, हा डाव उघड झालेला आहे. पण आम्ही तिकडे सत्तेत असताना हा प्रस्ताव आणण्याची त्यांची हिंमत नव्हती आणि आता सुद्धा हा प्रस्ताव आम्ही होऊ देणार नाही. ज्या क्षणी आमचं सरकार केंद्रात आणि राज्यात येईल त्यावेळेला हे सगळे जे काय आहे त्यांचे पाश आम्ही तोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. आणि मुंबईची स्वायत्तता आहे ती आम्ही आभारी ह्याची सुरुवात दिल्लीपासून केली गेली. दिल्लीसाठी जेव्हा त्यांनी तो जो काही वटहुकम वगैरे आणला तेव्हाच आमच्या सर्वांच्या मनात भीती होती की हे सगळेजण, कारण आपल्या देशाला आपल्या सरकारला केंद्र सरकार नाही संघ राज्य पद्धतीचं सरकार म्हणतो आपण, प्रत्येक राज्याला समान अधिकार आहेत. अगदी दोन तीन मोजक्या गोष्टी सोडल्या तर आणि तरच केंद्राला त्याच्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. पण हा हस्तक्षेप हा दिवसागणिक ते वाढवत चालले. राज्यांच्या शहरांची स्वायत्तता मारून सर्व काही एक छत्री आणायचा, ही छत्री आम्ही तोडून तोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. थोड्या दिवसाची गोष्ट आमचं दोन्ही सगळे निर्णय घेतले आहेत, आम्ही पुन्हा उलटे फिरवल्याशिवाय राहणार नाही. उद्धवजी दो सवाल ऐसा है की अरे बाकी लोगों को सवाल पूछ, हम अलग अलग विचारधाराओं के साथ एक आए उद्धवजी. अब विपक्ष लगातार ये मराठी होने दो. हाँ एकदम मराठी. देखिए पहले मराठी पूरा होने दो, पहले मराठी करो, बाद में हिंदी में बोले. हाँ मराठी, पहले मराठी करो. मराठी सर. पहले मराठी करो. राहुल सर, महायुती एकीकडे ही बैठक सुरू असताना दुसरीकडे याच वेळी म्हणजे 31 आणि 1 दिवशी महायुतीची बैठक मुंबईत लावून घेतलेली आहे. म्हणजे एका बाजूला इकडे हे सुरू असताना राज्यात देखील हीच सेम टाइम बैठक लावणं काय नेमकं म्हणजे? मी त्याचं उत्तर दिलेलं आहे, कारण गेल्या वेळेची आमची मीटिंग होती त्यावेळेलाच एनडीएची मीटिंग लावली होती आणि मी परवाच्या सभेत म्हटलंय की ऑलरेडी आन्सर दिस क्वेश्चन व्हेन अर्लियर देयर वाज द मीटिंग ऑफ इंडिया ब्लॉक एट दैट टाइम आल्सो एनडीए हैड हेल्ड वन मीटिंग. तशा प्रकारे आता एनडीए झालेले आहे. सर एक असा प्रश्न आहे की साधारणतः चार राज्याच्या निवडणुका डिसेंबर मध्ये होत आहेत. कुठे आणि चार राज्य? सर तुम्ही जर कोणाला प्रश्न विचारणार ते सांगा, सगळ्याची उत्तर माझ्याकडे. पवार साहेबांना आणि तुम्हाला एक प्रश्न आहे की चार राज्याच्या निवडणुकांच्या सोबतच लोकसभेची निवडणूक लागण्याचे देखील संकेत दिले जात आहेत आणि अशा वेळेस तुमच्या या इंडिया आघाडीच्या जागा वाटपाचा जो वेळ असेल किंवा जागा वाटपाची चर्चा असेल त्यासाठी राज्यात कमिट्या नेमण्यात आलेत का किंवा त्या चर्चा एकत्र आत्ता होणार आहेत का? असं आहे की आम्ही जागा वाटपाची चर्चा सुरू केली आहे. आमच्या पहिल्या दोन ज्या बैठका झाल्या त्या महत्वाच्या होत्या आणि उद्या इथून पुढचा आपला सामूहिक कार्यक्रम काय असावा याच्या संबंधीची चर्चा होण्याची शक्यता आहे आणि त्या शक्यतेच्यामध्ये जर असा निर्णय झाला तर मग काही लोकांच्या ही जबाबदारी टाकली जाईल की तुम्ही अन्य राजकीय पक्षांशी डायलॉग साधा आणि याच्यातून आपण एकत्र जाऊ शकतो का त्या संबंधीचा अभ्यास कर. तर प्रश्न असा आहे की तुमची उद्धव साहेबांना तुम्हाला प्रश्न आहे, आपली प्रकाश आंबेडकरांसोबत युती आहे मात्र त्यांचं असं म्हणणं आहे की मला या आघाडीचं निमंत्रण देखील नाही आहे, मी महाविकास आघाडीत देखील नाही आहे. एकूण युती आहे की नाही ते तुमचे? प्रकाश आंबेडकर आणि आमची युती गेल्या 23 जानेवारीला आम्ही जाहीर केलेली आहे. साहजिकच एक त्यांची गोष्ट बरोबर आहे की शिवसेना आणि प्रकाश आंबेडकर यांची युती आम्ही जाहीर केलेली आहे. इंडिया बैठकीत किंवा इंडियाच्या आघाडीत येण्यासाठी त्यांची सुद्धा इच्छा आम्हाला प्रकाश आंबेडकरजींशी बोलून विचारावी लागेल आणि एकदा आम्ही एकत्र आल्यानंतर ते एकमेकांपासून वेगळे होण्यासाठी एकत्र येत नाही, त्यांना सुद्धा व्यवस्थित त्यांच्याशी चर्चा करून जर त्यांची तयारी असेल तर ते सुद्धा या आपला म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी आणि देशात इंडिया याच्यामध्ये कोण येऊ शकतो. प्रॉपर डिस्कशन विथ हिम बिफोर टेकिंग एनी डिसिजन वेदर ही वॉन्ट्स टू जॉईन ऑर ही हॅज एन इन्क्लिनेशन टू जॉईन महाविकास आघाडी अलायन्स इन महाराष्ट्र अँड इंडिया ब्लॉक. तुम्हाला कारण ज्या पद्धतीने चाललेलं आहे ती पद्धत त्यांना निवडणूक घेण्याचं धाडस ते करतील असं मला वाटत नाही. आणि आता जो आधी प्रश्न विचारला होता पवार साहेबांनी त्याचं उत्तर दिलं की चार राज्यांसोबत लोकसभा, मी म्हणतो त्याच वेळेला महापालिका पण घ्या. सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज गट्स टू फेस द इलेक्शन. परिणाम नक्की दिसणार आहे कारण लोक वाट बघतायत. धन्यवाद. यू विल सी द रिझल्ट बिकॉज पीपल आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन. पवार साहेब सवाल, पवार साहेब एक सवाल असा आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतींनी असं डिसिजन घेतलंय की ते तटस्थ राहणार आहे, तर यामुळे सर इथे यामुळे इंडिया आघाडीला
काय वाटते म्हणजे मायावती तटस राहणाऱ्या उत्तर प्रदेश मध्ये लोकसभाची जास्त सीट आहे की मायावती जी नक्की कोणाच्या एकत्रित जाण्याची भूमिका घेणार आहे आम्हाला असं दिसतंय की काही वेळेला भारतीय जनता पार्टीशी सुद्धा त्यांनी सुसंवाद ठेवलेला आहे ते आज ठेवतील असं मी म्हणत नाही पण या सगळ्या गोष्टीची स्पष्टता जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत याच्यावर निर्णय घेणं अशक्य आहे पवार साहेब एक सवाल ये है कि पवार साहब आपसे और उद्धव जी आपसे दोनों लोगों से क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराओं का अलायंस है तो ऐसे में इस पूरे चीजों को जब आगे बढ़ेगा तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये लगातार चल रहा है तो उसको लेकर क्या संयोजन समिति अलग से बनाई जाएगी और दूसरा सवाल यह है कि विपक्ष जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लगातार आप लोगों पर कह रहे हैं कि अभी तक कोई चेहरा आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे तय कर लेंगे बात ऐसी है कि अलग अलग चीज है ये बात सच है मगर बैठकर डिस्कस करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम तैयार कर सकते हैं और मिनिमम एग्री प्रोग्राम इसके आधार पर हम आगे जा सकते पवार साहब इंडिया एक ही मिनट जो दूसरा सवाल आपने पूछा हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है क्या कौन बनेगा जो करोड़पति नहीं साहब क्या इसी डर से लगातार वो लोग ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा चुनाव हम एक साथ नहीं कराएंगे क्योंकि उनका एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नेशनल वाइड पर ना पड़े ऐसी उनको डर है क्या उनको अभी उनके मन की बात मैं कैसे समझूं वो तो टीवी पे होती रहती है पवार साहेब मला प्रश्न विचारायचा आहे की इंडिया अलायन्सच्या बाबत थेट पंतप्रधानांपासून ते अमित शाह हे थेट आरोप करतात की एकतर भ्रष्टाचारी आणि घराणेशाही अशा स्वरूपाची ही अलायन्स आहे याला उत्तर काय तुमचं आणि पहिल्यांदा प्रधानमंत्र्यांचं भाषण भोपाळचं ऐकलं आणि भोपाळच्या भाषणामध्ये त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली भ्रष्टाचाराची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका केली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका करत असताना राज्य आणि कटाक्षाने त्यांनी सांगितलं माझा आग्रह एक असा प्रधानमंत्र्यांचा की प्रधानमंत्री एक देशाचे जिथे सत्तेचा गैरवापर झाला अशी माहिती त्यांच्याकडे असेल तर त्यांनी सखोल चौकशी करावी आणि वस्तुस्थिती समाजाच्या समोर आपल्यासोबत आपले काही सहकारी बाजूला गेले त्यामुळे अनेक लोक आपल्या संभ्रमात आहे जे काही पार्ट्याज आहेत देशभरामधले त्यांचाही संशय आहेत की पवार साहेब आमच्यासोबत आहेत आणि त्यांचे काही सहकारी भाजपसोबत आहे हा संभ्रम मोठा आहे लोकांमध्ये आहे कार्यकर्त्यांमध्ये आहे काही संभ्रम नाही या लोकांना त्यांची जागा उद्या सगळा या राज्याचे मतदान दाखवतील अजिबात स्पष्टता आमच्या सगळ्या हितचिंतकांच्या मध्ये आहे पवार साहेब दोन सवाल आहे की आपने तो कह दिया की संभ्रम नाही आहे भ्रम नाही आहे लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के नेता कहते आए हैं कि लगातार भ्रम बना हुआ है। आज की जो पत्रकार परिषद है ना वो इंडिया के बारे में है अपने देश के बारे में है कोऑर्डिनेशन हम लोग तो मिलते रहते उस वक्त ये सारे सवाल जवाब होते हो सकते हैं पवार साहब प्रश्न ऐसा है पवार साहब अपन सगळ्या विरोधी पक्ष सगळ्या पक्षांना अपन मुस्लिम लीग इनसे आपका गठबंधन है इंडिया का गठबंधन
उन्होंने उससे बात की है और उनकी तैयारी है हम लोगों के साथ जाने की। तो ये कोई अकेला इस पर डिसीजन ले नहीं सकता, इस पर कांग्रेस के साथ बात करनी होगी, उद्धव जी के नेतृत्व वाले शिवसेना के साथ बातचीत करनी होगी और इस पर कलेक्टिव डिसीजन होगा। जब तक कलेक्टिव डिसीजन होता नहीं तब तक इन लोगों का जो सुझाव है इसका स्वीकार करना हमें मुश्किल है। क्या ओवैसी साहब और बीआरएस को लेकर बातचीत चल रही है आपकी? उद्धव जी, पवार साहब, क्या आज चूंकि बातचीत इंडिया बैठक की होगी, मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि कन्वेयर को लेकर के, संयोजक को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, बताया जा रहा है, क्लैरिटी हम चाहते हैं। कांग्रेस से कहती कि हम टीएमसी और दूसरे नेताओं के अंडर में काम नहीं कर सकते, दूसरी पार्टी कहती हम कांग्रेस का कन्वेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सुनो सुनो, एक मिनट, इस सारे बातों का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। शायद मैंने आज एनडीए का संयोजक कौन है मुझे तो पता नहीं, आपके पास अगर जानकारी होगी तो आप दे दीजिए। दोन प्रश्न पवार साहब, या अकाली दल आणि ओवैसी यांना पिछले बैठक में ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन बनाई जाएगी। उद्धव साहब, संयोजक पर भी, संयोजक पिछले बैठक में तय हुआ था कि मुंबई के बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी सभी लोगों की, या फिर संयोजक जो है उस पर चर्चा होगी। क्या ये दोनों मुद्दे होंगे जो अलग अलग नाम और आ रहे, कोई संयोजक चुना जाएगा, एक पहला सवाल है। नहीं, इसलिए तो मैंने पहले शुरुआत में कहा ना कि परसों हम दोबारा मिल रहे हैं और उस वक्त कल और परसों जितनी सारी बातें होगी आपके माध्यम से पूरी जनता, देश की जनता के लिए हम सबके सामने रखेंगे। शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावरती सातत्याने टीका केली जाते, हा विसंवाद का आहे की कुठेतरी सतत टीका होते आणि तुम्ही जेव्हा आम्ही आमचं वैशिष्ट्य आहे ज्यांच्या सोबत असतो त्यांच्यावर टीका करतो। आणि दुसरा पवार साहेब, दुसरा प्रश्न असा आहे की साधी गोष्ट आहे, तुम्ही तुमच्या मीडियातनं टीका केली म्हणून आम्ही काम करायचं थांबायचं का? तुम्ही तुमचं काम करा, आम्ही आमचं काम करतो। पवार साहेब, शिवसेनेचे नेते मागणी करतात की उद्धव ठाकरेंना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करावं। जातो, उद्या शपथ घेतो। पवार साहेब, दो चीज आहे सर, क्या बीआरएस अकाली दल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को साथ में लाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है? पवार साहब, बात अभी तक हुई नहीं, मगर अकाली दल की इनकी एक भावना है कि इसे साथ जा सकते हैं तो हम सोच सकते, मगर इतना वो आसान नहीं है, क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल है, पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ नीति अलग है, और इसलिए हम जिससे हमारे डिफरेंस बढ़ेंगे ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। उद्धव जी, सभी को धन्यवाद। उद्धव जी।